या दोस्तों वर्ल्ड कप हारने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये पूरी खबर इससे पहले दोस्तों हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप भारतीय टीम का नया कप्तान किसे देखना चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने एक लीडर की तरह अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए उसे फाइनल तक पहुँचाया, मगर वहाँ उसे जीत नहीं दिला सके। जीत के बाद अब उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया है, मगर इसकी वजह वर्ल्ड कप हारना नहीं बल्कि कुछ और ही है। तो आइए जानते हैं आखिर किस वजह से रोहित शर्मा ने ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक के बाद एक सभी मैच में मात देते हुए बड़ी ही आसानी से फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी, जिस वजह से सभी काफी खुश थे। मगर उस ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। टीम इंडिया एक बार फिर फाइनल में आकर ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गई और ऐसा होने के साथ ही सभी भारतीयों का दिल टूट गया। कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथी खिलाड़ी भी हार के बाद रोते हुए दिखाई दे। इसी कड़ी में अब हिटमैन ने कप्तानी से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्टर्स से मिली जानकारी के अनुसार फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद रोहित शर्मा ने कप्तानी से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है और वह जल्दी ही कप्तानी छोड़ने का ऐलान करने जा रहे है, जिसकी वजह आने वाले समय के लिए एक बेहतर कप्तान तैयार करना है। रिपोर्टर के अनुसार रोहित का मानना है कि अब वह चाहकर भी 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, ऐसे में उनका कप्तान बने रहने का कोई फायदा नहीं है, जिस वजह से वह कप्तानी छोड़ने जा रहे हैं और उनकी जगह ये किसी युवा खिलाड़ी को कप्तानी सौंपी जाएगी ताकि उसे आगामी टूर्नामेंट से पहले एक लंबा समय मिल सके, जिस दौरान वह अपने आप को बड़े मुकाबले के लिए तैयार कर सके। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट का यही मानना है कि अब वह कप्तानी छोड़ देगी और सिर्फ टेस्ट मैच खेलेंगे। तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना कि दोस्तों रोहित शर्मा की कप्तानी छोड़ने पर आप खुश होगे या फिर दुख, और हमें नीचे जरूर कमेंट में बताना कि आप इंडिया का नया कैप्टन किसे देखना चाह रहे हो।